रामेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के चौल में स्थित एक मंदिर है। यह भगवान शिव का अत्यंत प्राचीन मंदिर है। चौल क्षेत्र अपने मंदिरों के लिए जाना जाता है। एक काला रेतीला समुद्र तट रेवदांडा नागाम और काशिद के बीच लगभग आधे रास्ते पर स्थित है। माना जाता है कि रामेश्वर मंदिर का निर्माण पांडवों ने एक दिन में किया था, लेकिन वे इसे पूरा करने में असमर्थ रहे। सदियों बाद कान्होजी आंग्रे मराठा नौसेना एडमिरल ने काम पूरा किया। मंदिर का निर्माण वास्तुकला की हेमाडपंत शैली में किया गया है, जो देवगिरी के सेवना यादवों के दरबार के प्रधान मंत्री हेमाडपंत द्वारा शुरू की गई एक स्थापत्य शैली थी। रामेश्वर मंदिर का मुख्य आकर्षण तीन कुंड हैं, पर्जन्य कुंड, अग्नि कुंड और वायु कुंड, जो प्रकृति के तीन तत्वों वर्षा, अग्नि और वायु का प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तुकला की इस शैली में स्थानीय रूप से प्राप्त काले पत्थर और चूने का उपयोग शामिल है और यह 13वीं शताब्दी ईस्वी में उपयोग में आया। यह मंदिर पर्यटकों के लिए समय बिताने के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यह एक विशाल भूमि पर बना है जिसमें एक प्रार्थना कक्ष, गर्भगृह और 7.62 मीटर ऊंचे शिखर के आकार का गुंबद शामिल है। रामेश्वर मंदिर एक विशिष्ट साधारण तटीय मंदिर है, जो चरित्र और इतिहास से भरपूर है। यह मंदिर कुछ आरामदायक समय बिताने और ध्यान करने के लिए एक अद्भुत जगह है। मंदिर परिसर भूमि के एक विशाल टुकड़े पर फैला हुआ है और इसमें एक बड़ा प्रार्थना कक्ष शामिल है।